गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बूरा। तो आज हम जो है एनसीईआरटी का लेसन कर रहे हैं, वाटर इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जो जल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो जो जल का लेसन है हम हाइड्रोलॉजी ओसनोग्राफी में करेंगे कि कुल जल कितना है, और जल जो है मानव के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही जो नदियों की घाटियां या पानी जहां जहां पर मिलता गया, इंसान वहीं पर रहता गया। तो हम बात करेंगे आज वाटर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो जल कहाँ है, कैसे है। एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है वो जलाशयों से, इवेपोरेशन से, प्लांट्स से, ये जो है उससे प्राप्त होता है। जो आर्द्रता मिलती है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी, वो जलाशयों से वाष्पीकरण होता है, और पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके कारण जो है वायुमंडल में आर्द्रता होती है। हवा में जो है मौजूद जलवाष्प है, यानी कि जो भी जलवाष्प एयर में है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हम कहते भी हैं कि जुलाई अगस्त का जैसे महीना होता है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, हरियाणा में, पंजाब में, तो हम ये कहते हैं कि आज जो है मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड है। इसका अर्थ है आज जो है हवा में मौजूद जो है वाटर वेपर्स वो ज़्यादा है, और ये ज़्यादा जब होता है और साथ में गर्मी होती है तो शरीर के लिए जो है वो कष्टदायक है। ह्यूमिडिटी है वो 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले हम करते हैं सापेक्षिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फिर है एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक। अगर हम बात करें कि ये क्या क्या होती है और कैसे होती है, तो ये तो जो है वो हिंदी में अगर हम करें तो ये है सापेक्ष, ये है हम बात करते हैं जो, ये है निरपेक्ष और ये है विशिष्ट। विशिष्ट आर्द्रता। सबसे पहले हम बात करें इजी तरीके से सीखने की कि जो ये टोटल है जितनी, जैसे कि एक यहाँ पर है ये जो टोटल है इसको हम एब्सोल्यूट मानते हैं। जितनी भी है ये, जैसे कि 25 है ये, तो 25 ये नहीं देखना हमें कि ये कितने हैं, जितने भी जलवाष्प होंगे उसी को जो हम एब्सोल्यूट बोलेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता बोलेंगे। और अब देखिए ये जितने हैं एक ये, और कितने आ सकते हैं इसमें, यानी कि यहाँ 25 था और यहाँ जो है 75 और आ सकते हैं, तो इनका जो रेशो है ना वो कहलाएगा रिलेटिव, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता, जो इसकी समता है कितनी है वास्तव में और जो है। और इसी प्रकार से हम जो है विशिष्ट जो है वो भी यही करते हैं। तो इसको प्रॉपर जो है डेफिनेशन में करते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता वह आर्द्रता है जो किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी आयतन में जलवाष्प धारण करने की अधिकतम क्षमता का अनुपात हो, जो हमने कहा था रेशो। और ये वाला जो है ये सिंपल है कि निश्चित आयतन में जो है उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, एब्सोल्यूट जो है कहते हैं हम। उसके बाद जो है विशिष्ट आर्द्रता में क्या होता है, वायु के प्रति इकाई जो भार है उसमें जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, कि जितना जलवाष्प का भार है उतना ही वो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, विशिष्ट जो है वो उसकी आर्द्रता है। तो हवा में जलवाष्प को जो है ग्रहण करने की क्षमता जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो यानी कि बढ़ा दिया जाए तो ह्यूमिडिटी जो है या जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है एयर की वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर दें तो इसके साथ जो है ह्यूमिडिटी में जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा जो है सहन करने की क्षमता जो है वो नहीं रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता जो है महासागरों में ज़्यादा होती है और कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों पर जो है वो कम होती है। हवा में गति जितनी तेज होगी वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। जलवाष्प का अगर जो जल में बदलना है वो संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
और वाष्प का सीधे जो है सॉलिड रूप में बदलना जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। धूल, धुआं और महासागरों के नमक जो कण है वे अच्छे केंद्रक होते हैं। संघनन के बाद जो है वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता कई रूपों में जो है परिवर्तित हो जाती है, तो हम इसके बारे में जो है वो अध्ययन करेंगे, जैसे ओस, तुषार, कोहरा एवं कुहासा, बादल। तो सबसे पहले जो है हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या इसकी विशेषता होती है, कैसे ये मानव जीवन को प्रभावित करता है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, और किसी स्थान पर ये इतना अधिक और किसी स्थान पर जो है ये ओस कैसे होती है, इसकी दशाएं भी हमें देखनी है। ओस, जब आर्द्रता जो है धरातल के ऊपर ठोस वस्तु जैसे कि पत्थर, घास और पौधों की पत्तियों को ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है तो उसे हम ओस कहते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है तुषार, तुषार या पाला। संघनन तापमान के जमाव बिंदु से जो है नीचे 0 डिग्री सेल्सियस चले जाने पर होता है और छोटे छोटे बर्फ के जो है रवों के रूप में जमा हो जाता है। तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आता है हमारा कि ऐसा कौन सा महासागर है जहां -4 डिग्री सेल्सियस होने पर भी जल जो है वो जमता नहीं है। तो ये टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आमतौर पर जो है 0 डिग्री पर जो है जल वो जम जाता है। नेक्स्ट है कोहरा, कोहरे में जो है एक बादल होता है कोहरा, जस्ट लाइक ए क्लाउड, जिसका बेस जो है वो सरफेस पर या सरफेस के निकट होता है काफ़ी जो है। और नगरीय और इंडस्ट्रियल जो केंद्र है उसमें धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है, जो कि कोहरे और कुहासे के बनने में मदद करती है। तो इसमें जो है अर्बन एरिया में है और इंडस्ट्रियल हमें देखना है, औद्योगिक सेंटर्स जो है वहाँ पर ये इस तरह की कंडीशंस है। और नेक्स्ट जो है कुहासा, कुहासा एक जो है इसमें डिफरेंस क्या है कि कोहरे की अपेक्षा जो है नमी जो है इसमें अधिक होती है, कोहरे की तुलना में कुहासे में नमी जो है अधिक होती है। और कुहासा जो है वो पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, यानी कि हिली एरियाज पर है, माउंटेन्स जो है वहाँ पर है, अपर एरियाज में है। कोहरा जो है वो नीचे क्षेत्रों पर भी बन जाता है, जबकि कुहासा जो है ज़्यादा है जो ऊपरी क्षेत्रों पर या पहाड़ों पर ही पाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा इसी लेसन में जो है वो है क्लाउड, बादल। इंसान के लिए जो है देखिए पानी है, जल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जल का जो है कैसे कैसे रूप है, जल जो चक्कर है वो कैसे पूरा होता है, तो हमें इस लेसन में जो है क्लाउड के बारे में भी बताया गया है। बादल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो हाइट के ऊपर जो है वाटर वेपर्स उसके कंडेंसेशन के कारण जो है वो क्लाउड बनते हैं। ऊंचाई पर जो है जलवाष्प का जब संघनन होता है तो बादल बनते हैं। इसकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर जो है बादल को जो हम 4 रूपों में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। 4 जो है कैटेगरीज है यहाँ पर। फर्स्ट जो है वो है पक्षाब मेघ, पक्षाब। सेकंड जो है वो है कपासी। थर्ड है सत्री। और जो फोर्थ है वो है वर्षा। इसको हाइट के अनुसार भी जो है वो वर्गीकृत किया गया है। पक्षाब जो मेघ है वो 8 किलोमीटर से जो है 12 किलोमीटर तक की हाइट पर है। सबसे ऊंचे जो है ये बादल है, ये पतले और बिखरे हुए होते हैं जो पक्षाब है, और पंख के समान होते हैं, और इनका जो कलर है वो वाइट होता है, सफ़ेद रंग के पक्षाब। नेक्स्ट जो है हमारे हैं कपासी। कपासी जो है वे रुई के समान होते हैं हल्के, और इसकी जो हाइट है वो 4 to 7 जो है
फोर से सेवन किलोमीटर्स होती है इसकी हाइट, रुई के समान है, हल्के काफी, छितरे हुए स्कैटर्ड है, ये बिखरे हुए हैं या छितरे हुए हैं जो। और चपटे जो है आधार वाले होते हैं, इनका जो बेस है वो चपटा होता है। सत्री जो मेघ है वो काले या गहरे स्लेटी कलर के होते हैं और ये सतह के जो है काफी नजदीक होते हैं, नियर टू सरफेस है, ये ब्लैक और ग्रे कलर के हैं। और सूर्य के किरणों के लिए जो है ये अपारदर्शी है, नॉन ट्रांसपेरेबल है ये सनरेज के लिए जो है। और इसी प्रकार जो है वर्षा जो वेग है ये जो है वर्षा वाले जो वेग है ये जो होते हैं ये नियर टू सरफेस होते हैं और ये सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं, सूर्य की किरणों के लिए होते हैं। जो सत्री मेघ है वो परतदार होते हैं और आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं, जो सत्री होते हैं आकाश के जो है बहुत बड़े भाग पर जो है ये फैले होते हैं। इसी तरह से जो है हमें डिफरेंस देखना है कि सत्री और वर्षा में क्या है, जो सत्री मेघ है उसमें और वर्षा मेघ में क्या डिफरेंस है। तो जो सत्री मेघ है वो परतदार होते हैं, परतदार एक लेयर्स होती है इसके अंदर और आकाश के बहुत बड़े भाग पे जो है ये फैले हुए होते हैं। और वर्षा जो मेघ है ये काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं, सूर्य की किरणों के लिए जो है ये अपारदर्शी होते हैं। तो ये जो चारों हैं बादल ये मूल रूप से मिलकर निम्न प्रकार से जो है पक्षाभ, पक्षाभ सत्री और पक्षाभ कपासी, पक्षाभ के अंदर भी हम बात करें तो पक्षाभ, पक्षाभ कपासी और पक्षाभ सत्री है। स्त्री के अंदर हम बात करें तो सत्री कपासी और वर्षा सत्री है और कपासी के अंदर जो है वो वर्षा कपासी और कपासी है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वर्षण, इसी लेसन में जो है टॉपिक है प्रेसिपिटेशन। एक क्वेश्चन आता है बीए में, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो बड़ा रूप है और रेनफॉल एक छोटा रूप है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो है वो तीन प्रकार के हो सकता है या चार प्रकार से भी है, हमको ज्योग्राफर ने बताया है कि किस तरह से है। और वर्षण जो है वो बड़ा है वर्षा से। जलवाष्प के संघनन के बाद ठोस या द्रव अवस्था में बदलकर पृथ्वी पर जो है गिरने की घटना को वर्षण कहते हैं। वर्षण के रूप जो है हिमपात, ये अक्सर जो है ऊंचे क्षेत्रों पर होता है हिमपात जो है। सेकंड जो है सहिम वृष्टि, सहिम वृष्टि, हिम के साथ वृष्टि, सहिम वृष्टि। ओलावृष्टि, इसके अंदर जो है ओले गिरते हैं, कई बार तो जो है ओले एक गेंद के साइज के भी गिरते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है। ओला जो है वो फसलों के लिए भी नुकसानदायक है। और वो है जलवृष्टि या वर्षा। तो इसके चार प्रकार बताए गए हैं। हम जो अक्सर बात करते हैं वो जलवृष्टि या वर्षा की कहते हैं कि जो वर्षा है, लेकिन वर्षा जो है वो वर्षण का एक रूप है। वर्षा के प्रकार करेंगे हम, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नाउ वर्षा जो है तीन प्रकार की होती है, वर्षा जो है वो तीन प्रकार की होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि संवहनीय वर्षा, सेकंड जो है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा, और जो थर्ड है वो है साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवातीय वर्षा। जो कन्वेंशनल रेनफॉल है उसके अंदर जो है हमें ये देखना है कि जो जैसे हवा है वो देखिए ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पर, और यहाँ से भी जो है हवा
यहाँ जाती है और इसके कारण जो है रेनफॉल होती है फिर, और इस तरह की जो रेनफॉल है वो इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सहनीय वर्षा जो है होती है। इक्वेटोरियल रीजन में सुबह जो है मौसम बिल्कुल क्लियर होता है, दोपहर को जो है बादल बनते हैं, दोपहर बाद जो है बारिश होती है, फिर जो है रात को फिर क्लियर स्काई होता है। तो इस तरह का जो फिनोमिना है वो प्रतिदिन देखने को मिलता है। इस तरह से जो है ये जो रेनफॉल है उसे कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल, या इसको हम पर्वतीय वर्षा भी कह सकते हैं। इंडिया में जो है इस तरह की वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर जो है ह्यूमिड एयर जो है यहाँ पर चलती है इस तरह ऊपर, और फिर जो है यहाँ पर बारिश होती है। इस क्षेत्र में जो है यहाँ बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी। इसके अंदर जो एक और जो पॉइंट है वो ये भी है कि एक जो वो क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, और एक इसमें शैडो जोन भी होता है। कि भारत में हम पढ़ते हैं कि कुछ क्षेत्र में जो है बारिश कम होती है जबकि वो पर्वतीय क्षेत्र में, उसका कारण जो है वो यही है कि वो जब हवा यहाँ से उतरती है तो ये ड्राई हो जाती है, और इसके कारण जो है शुष्क वायु जो है, हमें पढ़ा भी था इसी लेसन में कि टेम्परेचर जो है अगर अधिक हो जाएगा तो उसमें वाटर वेपर्स जो है जल वाष्प जो है धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, बारिश जो है वो नहीं होगी, कंडेंसेशन की प्रक्रिया वो नहीं होगी। तो जो क्षेत्र पर्वतों के भीमुख है, पर्वताभिमुख क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और इसी क्षेत्र के जो दूसरे भाग में है जो रेन शेडो जोन में है वहाँ पर बारिश कम होती है। भारत में जो है मुख्यतः वर्षा पर्वतकृतीय जो वर्षा है यही होती है। और जो एक तीसरा प्रकार है वो है साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवातीय वर्षा। तो इसके अंदर जो है वर्षा सत्री जो है मेघ होते हैं, ये जो है वार्म एयर है, जैसे कि गर्म वायु जो है ऊपर की तरफ जाएगी और ठंडी वायु जो है वो नीचे की तरफ बैठती है। तो इसमें क्या होता है, एक फ्रंट बनता है यहाँ पर, वातागर बनता है, और यहाँ पर जो है वर्षा सत्री जो है वो बादल होते हैं जिसके कारण जो है वर्षा होती है। इंडिया के जैसे कोस्ट है और ये विश्व में कई जगह पर जहाँ पर भी साइक्लोन बनते हैं वहाँ पर जो है साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं। तो इस लेसन में जो है हमने कवर किया है किस प्रकार के जो है क्लाउड्स है, बादल जो है ऊंचाई के आधार पर उनकी विशेषता, वर्षा के प्रकार जो है किए हैं कि वर्षा कितने प्रकार की है, ह्यूमिडिटी जो है कितने प्रकार की है, और जो कंडेंसेशन के बाद जो है वायुमंडल में जो है वाटर वापस जो ह्यूमिडिटी है वो कैसे कैसे परिवर्तित हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ये अच्छा लगा होगा लेसन, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो जो है अंत तक देखिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।